क्या अच्छा लगा चिराग? चिराग ऐसा लगा कि हीरो जैसा दिखते हैं। हीरो है, साफ हीरो है वो तो। हीरो है पूरा बिहार में जानते उस उन लोग को, लेकिन ये सब क्या है आप पशुपालन से जो कोई नहीं जानता, कोई नहीं। आप चिराग पासवान को जानते हो? हाँ। कौन है चिराग पासवान? चिराग पासवान मेरे लोग के कास्ट है, मेरे लोग के कास्ट है। आपकी जाति क्या है चिराग? किस जाति से आप आते हैं? हम पासवान से। पासवान है इसलिए चिराग पासवान को जानते हैं। हाँ। हाजीपुर में चिराग पासवान लड़ेंगे तो वोट दीजिएगा। हाँ जरूर, मेरे गार्जियन देंगे। ये बिहार यही है। क्या उम्र होगी आपकी? उम्र कितना है आपका? मेरा 11। 11 साल का बच्चा है, इसको पता है कि चिराग पासवान इसकी जाति के हैं, इसके नेता है, इसलिए इनको वोट देगा। उम्र कितना है? 13 साल। 13 साल। यहाँ क्यों आए हैं? चिराग पासवान से भेंट करने। जानते हैं चिराग पासवान को? मिलेंगे चिराग पासवान आपसे। हाँ। एक आरोप लगता है बार बार कि चाचा ने धोखा दिया, चिराग को धोखा दिया, सही बात है? हाँ, सही बात है। जो आदमी अपन भतीजा का नहीं होगा वो हाजीपुर जनता का क्या होगा? तो हाजीपुर में हमारी मौजूदगी है, 16 जनवरी की तारीख है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों का जो जुनून है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चिराग पासवान की सभा होने जा रही है, बड़ी सभा है, हाजीपुर में है, वो भूमि जहां से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने जीवन भर राजनीति करते रहे। 8 बार सांसद इसी जमीन ने रामविलास पासवान को बनाया, हर बार मंत्री भी बने। तो जो लोग यहां पर मौजूद हैं ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार हाजीपुर में चिराग लड़ेंगे, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या एनडीए से टिकट मिलेगा चिराग को, क्या हाजीपुर सीट मिलेगी। तो यहां पर युवा साथी है हमारे जो नए लड़के हैं उनसे ही बात करेंगे। पहले आप आ जाइए, नाम बता दीजिए। संजीत कुमार। हाजीपुर से हैं? हाँ, हाजीपुर से नहीं, हम तो राजापाकर क्षेत्र से हैं, मतलब वैशाली जिला से ही हैं। वैशाली जिले से हैं। चाहते हैं कि चिराग जो है वो लड़े हाजीपुर? हाँ लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। टिकट सीट मिलेगा तब ना? एकदम मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। पारस जी अभी यहाँ सिटिंग एमपी है, सांसद है, उनको कोई पहचानता ही नहीं, हम लोग खुद उनको पहचानते नहीं है। वोट दिए होंगे पिछला बार, तभी ना बने? नहीं, हम लोग वोट थोड़ी दिए हैं। वोट दिए हैं पारस जी को, वोट नहीं दिए हम लोग, चिराग पासवान जी के नाम पे वोट दिए हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पे वोट दिए हैं। उनको कोई नहीं, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है पशुपति पारस का जी, नहीं। अच्छा, इस बार अगर बीजेपी फिर पशुपति पारस को लड़ाएगी तब यहाँ क्या होगा? अगर पशुपति पारस जी अगर हमारे भैया चिराग भैया के साथ आ जाते हैं, अगर आ जाते हैं तो फिर से हम उन चिराग भैया के नाम पे उनको हम वोट देंगे और फिर से पार्लियामेंट भेजाने का काम करेंगे। अच्छा, एक आरोप लगता है बार बार कि चाचा ने धोखा दिया, चिराग को धोखा दिया, सही बात है? हाँ, सही बात है। जो आदमी अपन भतीजा का नहीं होगा वो हाजीपुर जनता का क्या होगा? आम जनता का क्या होगा? हम लोग का क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन भाई जब तक जीवित रहे उनके रामविलास पासवान तब तक तो सब सही चल रहा था। अच्छा, आप बताइए जब पिताजी के मरने के बाद जो उनका जो पूरा दायित्व होता है किन पे जाता है? बेटा पे जाता है या भाई पे जाता है? उनका बेटा को नहीं दिया जाता है तो बीच में ये आने वाले कौन होते हैं? चिराग कहते हैं कि हम उत्तराधिकारी हैं रामविलास पासवान के। नहीं नहीं, ऐसा होता है कि बेटा के रहते हुए अपने चाचा को उत्तराधिकार मिल जाता है? आप कहीं पे सुने हैं ऐसा? तो मतलब हाजीपुर जो है वो चिराग का? हाँ, चिराग का है। अच्छा, सीट कैसे बटेगा आप बताइए? 6 सीट मिलना है लोजपा को, 6 पर दावा चिराग पासवान की पार्टी कर रही है। पारस जी कहाँ जाएंगे फिर? पारस जी का जब सब पार्टी जान रही है कि पारस जी का कोई अस्तित्व नहीं, वही बात हुई 6 सीट के, 6 सीट हमारे नेता जानेंगे किस कहाँ किसको देना है नहीं देना। लेकिन ये तो फिक्स है, हाजीपुर से हमारे भैया ही आ रहे हैं। बीजेपी अगर यहाँ पारस जी को लड़ाएगी तो क्या होगा? बीजेपी अगर यहाँ पारस जी को लड़ाएगी, अगर चिराग भैया को सामने अगर किया जाए तो उनका कुर्सी जब्ती हो जाएगा, पारस जी का कुर्की जब्ती हो जाएगा। कुर्की जब्ती जो हो जाएगा FIR होने पर होता है वोट, क्योंकि उनका वोट यहाँ पर साफ है, मतलब 1% नहीं, क्योंकि उनको जानता ही नहीं कोई है। पहचानता नहीं पारस जी को, तो पहचानता था मतलब चिराग भैया की तरफ से, तो उनके साथ होता है नहीं, उनको तो धोखा देके साइड करवा दिए, तो फिर कैसे उनको वोट मिलेगा बताइए। अच्छा, भीड़ थोड़ा कम है ठंडा के कारण? क्या भीड़ नहीं है? बिहार होगा, उसके बाद देखिएगा भीड़ कितना है। कहने के बाद देखिएगा, भीड़ तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, उनको आने के साथ उनको लाना भी साथ, इसलिए आरो आदमी वहाँ पर रुके हुए है, उनको साथ आने वाले स्वागत में है, हजारों का भी है, घोड़ा भी है, सब डांस करते उनको साथ लेके आएंगे, वो गाड़ी पर चढ़ के आराम से। चिराग कैसे आ रहे हैं? गाड़ी से स्वागत से, पुलिस स्वागत, फूर माला पूरा बरसाते हुए एकदम राजा की तरह उनका स्वागत होगा। अच्छा, युवा नेता की बात आप लोग कर रहे हैं, बिहार में एक और युवा नेता है जो अभी डिप्टी सीएम है, सीएम बनना चाह रहे हैं, उनके साथ युवा क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि आप जान ही रहे हैं उनके पिताजी क्या किए हैं, चारा घोटाला,
जब हम जब गाय हमारे पशु का चारा घोटाला कर दिए और पशु का खाना ले तो हम लोग का तो आराम से भी चुरा सकते हैं। चिराग पर मतलब पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, युवा है, युवा है, युवा के तरह एकदम सोचा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2025 में चिराग जी नहीं आए, 2025 में चिराग जी सीएम बनेंगे। क्या नाम है बाबू? अंकित कुमार। कहाँ, हाजीपुर से हो? नहीं, वैशाली जिला से हूँ। वैशाली से है, मतलब हाजीपुर का ही क्षेत्र ना है। कितना उम्र है? 15 साल। 15 साल तो वोट तो दोगे नहीं? नहीं देंगे। किसके समर्थन में आए हो? अच्छा, ये वोट दिलाएगा 15 साल का होके? किसके समर्थन? चिराग पासवान के समर्थन में आए हैं। चिराग पासवान को जानते हो? यस। कैसे जानते हो, मिले हो कभी? मिले हैं हमको, मतलब हमको इधर बहुत। आप चिराग पासवान से मिले हैं? हाँ मिले हैं हम सब। कब मिले हैं? कब, मतलब यही 1-2 महीने के बाद मुझे हम सब के इधर गया था। उस कहाँ 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 पर? वैशाली जिला में। वैशाली में कहाँ पर? वैशाली चनपुरा ऑफिस थाना के पास, उधर गया था मैं। हम क्या अच्छा लगा चिराग में? चिराग ऐसा लगा कि हीरो जैसा दिखते हैं। हीरो है, साफ हीरो है वो तो। हीरो है तो हीरो मतलब अच्छे लगते हैं देखने में, लंबे चौड़े हैं, पूरे अच्छे लगते हैं, पूरा बिहार में जानते हैं उस उन लोग को। लेकिन ये सब क्या है, आप पशुपालन से जो कोई नहीं जानता, कोई नहीं, छोटा छोटा बच्चा भी नहीं जानता उसी को। तो आइए अभी किसी को जो बच्चा को जानिएगा तो कहेगा चिराग पासवान, चिराग पासवान इसको जानते। चिराग पासवान को जानते हो? हाँ। कौन है चिराग पासवान? चिराग पासवान मेलो के कास्ट है, मेलो के कास्ट है। आपकी जाति क्या है चिराग पासवान? हाँ। की जाति से आप आते हैं? हम पासवान से। पासवान है इसलिए चिराग पासवान को जानते हैं। हाँ। हाजीपुर में चिराग पासवान लड़ेंगे तो वोट दीजिएगा? हाँ जरूर, मेरे गार्जियन देंगे। आप? अच्छा, आप नहीं देंगे, आपको पता है ये बात कि आप नहीं दे सकते, हमें गार्जियन देंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम सत्यम। सत्यम पासवान आपका नाम है, क्योंकि आप कास्ट की बात पहले ही कर दिए थे। देखिए बिहार यही है। क्या उम्र होगी आपकी? उम्र कितना है आपका? मेरा 11। 11 साल का बच्चा है, इसको पता है कि चिराग पासवान इसकी जाति के हैं, इसके नेता हैं, इसलिए इनको वोट देगा। हाजीपुर में हमारी मौजूदगी है। और कोई बताइए, रही है क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? जितेश राज। क्या नाम? हाँ नाम। उम्र कितना है? 13 साल। 13 साल। यहाँ क्यों आए हैं? चिराग पासवान से भेंट करने। जानते हैं चिराग पासवान को? मिलेंगे चिराग पासवान आपसे? हाँ मिलेंगे आपसे। बराती भी चलेगा इस चिराग भैया के, बराती भी चलेगा इसे। चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान को क्यों पसंद करते हैं? अति है, उनको लुक अच्छा लगता है, लुक अच्छा लगता है। बिहार के हीरो है, बिहार का हीरो है। यही कहानी है बिहार की, यही कहानी है बिहार की। हम लोग को निकलने दीजिए आप, तो भीड़ लग गई थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे हैं, चिराग को पसंद करते हैं। कई कारण हैं, बड़े जो हैं वो उनको गरीबों का मसीहा समझते हैं, तो छोटे बच्चे उनको हीरो समझते हैं, लुक पर जाते हैं, लुक उनका अच्छा लगता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।